हूँ अर्पिता आर्य। सूर्य ग्रहण चल रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान आप क्या करें क्या ना करें, ये सूर्य ग्रहण कितना खास आप पर असर डालेगा, आप पर साल के पहले सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले ये साल का पहला सूर्य ग्रहण कितना असर डालेगा वो हम समझेंगे, ये विशेष क्यों है वो हम समझेंगे, लेकिन ज्योतिषी के आधार पर ये क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है सूर्य ग्रहण? अर्पिता, सूर्य ग्रहण को देखने के दो तरीके हैं। एक तो खगोल का दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा ज्योतिष का दृष्टिकोण। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो अभी चल रहा है ये शुरू हुआ है सुबह 7:04 पे और ये चलेगा दोपहर के 12:29 तक। अब ये जो सूर्य ग्रहण है ये मेष राशि में लगेगा, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और वहां से ये देश दुनिया को सबको पूरी तरह से प्रभावित करेगा। सूर्य ग्रहण जो है इसका प्रभाव लगभग अगले 15 दिनों तक सबसे ज्यादा और एक महीने तक मोटे तौर पर इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर और देश दुनिया पर दिखाई देगा। भारतवर्ष में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो अभी लगा हुआ है ये दिखाई नहीं दे रहा है, टेलीविजन की सहायता से, संचार तंत्रों की सहायता से आप इसे देख पा रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में ये सूर्य ग्रहण दर्शनीय नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, और जैसा आप बता रहे हैं इसको और थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है? कोई भी सूर्य ग्रहण नॉर्मल है, बहुत स्पेशल है या उसके ज्यादा प्रभाव होंगे, ये ज्योतिष के हिसाब से निर्भर करता है कि कौन से ग्रह उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या किन ग्रहों की उसमें भूमिका है। अब जो सूर्य ग्रहण आज लगा उस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध ये एक साथ हो गए। सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध इस ग्रहण में एक साथ हो गए, साथ ही साथ इस संयोग पर शनि की दृष्टि भी आ गई। यानी सूर्य और राहु का संयोग एक तो वैसे ही नकारात्मक है और उसके ऊपर कुंभ राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि भी पड़ गई। इसीलिए सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव होने की वजह से ये ग्रहण अपने आप में विशेष हो गया, या हम यूं कह लें कि विशेष निगेटिव हो गया। सूर्य और शनि का प्रभाव होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। अगले 15 दिन में दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा, चाहे वो वायुयान दुर्घटनाएं हों, चाहे वो सड़क मार्ग की दुर्घटनाएं हों, उनकी संभावनाएं थोड़ी बढ़ेंगी अगले 15 दिनों में। सूर्य जो है वो शासन का, प्रशासन का, राजनीति का ग्रह है, इसीलिए सूर्य ग्रहण से राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचेगी, भयंकर उतार चढ़ाव होंगे। अगले एक महीने में देश में तमाम तरह के बड़े परिवर्तन होंगे। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है अब, यानी एकदम से शेयर बाजार ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है और एकदम से शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, यानी शेयर बाजार में और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो सबसे ज्यादा इसका नकारात्मक पक्ष है, निगेटिव पक्ष है, वो ये है कि बीमारियां बढ़ेंगी, वायरस का प्रकोप दोबारा से लोगों को परेशान करेगा, हालांकि अच्छी औषधियों से, अच्छी दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। ये जो सूर्य ग्रहण लगा है ये लगा है मेष राशि में और मेष में राहु और तुला में केतु, तो दो राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई, एक हो गई मेष राशि और दूसरी हो गई तुला राशि। मेष राशि को दुनिया के आरंभ की राशि मानते हैं और मेष और तुला जब इसमें इन्वॉल्व हो गई तो दुनिया भर में युद्ध और विस्फोट की स्थितियां बन गईं।
यानी अब अगले 15-20 दिन दुनिया में तमाम तरह के उपद्रव हो सकते हैं, झगड़े लड़ाइयां हो सकती हैं, युद्ध और विस्फोट जैसी नौबत आ सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका और यूरोप जो पश्चिम के देश हैं, ज्यादातर वहां पर उपद्रव होने की या वहां पर समस्या होने की संभावना ज्यादा है। और पाकिस्तान का लग्न मेष लग्न है, इसलिए पाकिस्तान में भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये बहुत सारे नकारात्मक इंडिकेशन दे रहा है। इन नकारात्मक सूचनाओं को समझना होगा और इनको जानना होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आपने बताया कि बहुत नकारात्मक इसका असर पड़ सकता है, इसको जान के, इसको समझ के आप इससे बच सकते हैं। तो सावधानी पर आ जाता है सवाल कि किस तरीके की सावधानियों का पालन करना चाहिए। सामान्य सूर्य ग्रहण जब अर्पिता होता है तो मंदिरों के पट 12 घंटे पहले या 6 घंटे पहले बंद हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, आप भोजन नहीं कर सकते, आप खाना पीना नहीं खा सकते और आप विश्राम भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम आज के सूर्य ग्रहण की बात करें, क्योंकि ग्रहण अभी चल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं कुछ पीऊं या ना पीऊं। देखिए, ग्रहण काल में जब ग्रहण महत्वपूर्ण होता है या सामान्यतः दिखाई देता है तो सूतक लग जाता है। सूतक के नियम ये कहते हैं कि जितने समय ग्रहण चलेगा उतने समय तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। हालांकि बच्चों पर, बीमारों पर, वृद्धों पर नियम लागू नहीं होते, लेकिन नॉर्मल कोर्स में आप ना खाएं पिएं। इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना होता है, बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए खाने पीने के मामले में, सोने जगने के मामले में। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम के पालन की कोई जरूरत नहीं है। जो ग्रहण अभी चल रहा है, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में किसी भी व्यक्ति को इस ग्रहण के नियम को मानने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो चाहें खा लें, आप जैसे चाहें खा लें, आप विश्राम करना चाहें कर लें, कोई भी सूतक का नियम नहीं है, कोई भी वर्जना नहीं है। मंदिरों में पूजा पाठ होते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सूतक के नियम पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण को लेकर बहुत चिंताओं में रहती हैं, बहुत तनाव में रहती हैं कि ग्रहण देख लेंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा, या ग्रहण पड़ रहा है मेरे संतान पर कोई बुरा असर ना पड़े। ये उनके मन में एक तरह का डर, एक तरह का फोबिया रहता है। तो गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे सामान्य जीवन जी रही हैं वैसे चलिए, पूजा उपासना करना चाहिए करिए, विश्राम करना चाहिए करिए, भोजन करना चाहिए करिए, किसी तरह के नियम के पालन की आवश्यकता, किसी तरह के सूतक की वर्जना की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। बिल्कुल, यानी ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, हालांकि ये भारत में नहीं दिख रहा पंडित जी, और उसका आप कह रहे हैं असर जो है वो ज्यादातर नकारात्मक तौर पर दिख रहा है, तो इस नकारात्मकता से बचने के लिए क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए भारत में रहते हुए? आज हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जब हम बात करें सूर्य ग्रहण इस समय चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए? देखिए अर्पिता, बचना तो आपको किसी भी बात से नहीं है, क्योंकि कोई सावधानी जैसा है नहीं जी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रहण के समय में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होती है। तो कम से कम ग्रहण काल में आप पूजा करें, उपासना करें, मंत्रों का जप करें, थोड़ा ध्यान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ग्रहण के बहुत सारे अशुभ प्रभावों से बच सकेंगे। जैसा अर्पिता ने कहा कि ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर इसका नकारात्मक असर ना पड़े, तो आप ग्रहण काल में जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, आप उसका जप करिए या भगवान शिव की पूजा करिए।
ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है उसके दुष्प्रभाव से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो नकारात्मक पहलुओं को हमने समझ लिया। अब ये ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक हो सकता है, ऐसे क्या काम, आपने प्रार्थना को बता दिया, आपने कहा कि बहुत सारे नियम है जिनको हमको फॉलो नहीं करना है, कोई बहुत असर इसका नहीं है, लेकिन उसके अलावा नकारात्मकता से तो हम बच गए, लेकिन ये हमारे लिए लाभकारी किसी परिदृश्य में बन सकता है क्या कुछ करने से? अर्पिता, ऐसा मानते हैं कि ग्रहण काल में जो ईश्वर है वो आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेता है या आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति भी दे सकता है, बशर्ते कि आप ग्रहण के समय का इस्तेमाल करें। जैसे अभी ग्रहण चल रहा है दोपहर के 12:29 तक, तो आप इस ग्रहण में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपको ग्रहण में लाभ हो। क्या करें? ग्रहण काल में मंत्र जप अवश्य करें। आप अपना गुरु मंत्र जप लें, अपना इष्ट मंत्र जप लें, या कोई मंत्र नहीं जानते तो नमः शिवाय का जप कर लें, भगवान की स्तुति करें और भगवान का ध्यान करें। ग्रहण काल में 12:29 तक का समय अभी बाकी है, उसमें ध्यान करना लाभकारी होगा। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है, पूजा निश्चित रूप से संपूर्ण होती है और प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाती है। एक तरीका होता है मंत्र को सिद्ध करने का। जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप एक बार भी वो मंत्र बोलेंगे तो वो मंत्र काम करने लगता है। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या किसी गुरु से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करना और दीक्षा लेना भी बहुत शुभ होता है। तो आप ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करने का तरीका आपको पता है तो आप मंत्र सिद्ध करिए, और अगर किसी गुरु से, किसी महापुरुष से, किसी संत महात्मा से दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो दीक्षा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 12:29 पर, तो उसके बाद नहा लीजिएगा, और नहा करके किसी गरीब आदमी को, किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ग्रहण सुनते ही पंडित जी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं, जो हम लोग अपने जब भारत में दिख रहा हो ग्रहण तो हम उन नियमों को बड़ी सावधानी के साथ करते हैं, क्योंकि ये भारत में नहीं दिख रहा, इसलिए वो नियम आप उसमें ढील दे सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं उससे आपको लाभ जरूर मिल सकता है। लेकिन पंडित जी, जैसे गर्भवती महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं इस वक्त पे, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें उनको एहतियात के तौर पर बताया जाता है, तो क्या अभी के लिए जब से ये ग्रहण लग के खत्म हो रहा है कुछ ऐसे नियम फॉलो कर ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, या वो आराम से बिना कुछ सोचे जैसे रहना चाहती है रोज वैसे रह सकती है? पहले तो अर्पिता, ये समझते हैं कि ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता क्यों है। एक तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, ये समझ लें। ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण होगा तो भी उतना ही निगेटिव होगा, चंद्र ग्रहण होगा तो भी उतना ही निगेटिव होगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो समुद्र के पानी पर असर डाल देता है, और जो गर्भवती महिलाओं के अंदर, गर्भ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें नमक का अनुपात वही होता है जो समुद्र का सॉल्ट होता है। यानी चंद्रमा हर उस जगह पे असर डाल देता है जहां पर सॉल्ट और वाटर का कंपाउंड उतना ही होता है जितना समुद्र में है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि भाई थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन डरो नहीं, डरने की बात वहां भी नहीं है। दूसरा ये है कि जो ग्रहण अभी चल रहा है, इस ग्रहण में तो सूतक का कोई नियम है ही नहीं, तो अगर चाकू उठाना चाहें, कैंची चलाना चाहें, सिलाई कढ़ाई करना चाहें, सोना चाहें, तो कोई मनाही है ही नहीं, आप जो चाहिए करिए। हाँ, लेकिन अब आप अपने मन में एक डर बैठा लेंगी, एक भय बैठा लेंगी कि आज ग्रहण का दिन है और ग्रहण के दिन में मेरे संतान को दिक्कत हो सकती है, मुझे दिक्कत हो सकती है,
तो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आपको दिक्कत भले हो जाए, लेकिन आज चूंकि ग्रहण दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के नियम मानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और पंडित जी नियम की बात है तो कुछ लोगों के आपकी दिनचर्या में एक नियम होता है, आप सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। जब सूर्य ग्रहण है चल रहा हो तो जो लोग ये नियम करते हैं, हर रोज करते हैं, उनको क्या सूर्य को जल चढ़ाना ठीक रहेगा सूर्य ग्रहण के वक्त? देखिए, भारत में तो आप चढ़ा ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ग्रहण दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जब ग्रहण दिखता है, जिस समय में ग्रहण दिखाई दे रहा हो, उस समय में सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का नियम क्या है कि जब आप सूर्य को जल देंगे तो उगता हुआ सूर्य होगा, ताकि आप सूर्य को देख सकें। अब मान लीजिए कभी ऐसा समय आ गया कि उगते हुए सूर्य के समय ही ग्रहण लग गया, तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, आप उसके लिए एक्सरे की फिल्म का या विशेष तरह के चश्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ग्रहण देखिए। तो अगर सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो उस समय आप सूर्य को जल मत चढ़ाइए। लेकिन अब सूर्य ग्रहण चूंकि भारत में दिख ही नहीं रहा है, तो आज अगर आपने सुबह सूर्य को जल चढ़ाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज आपके जल चढ़ाने से कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, तो भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो सूतक के नियम नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आप प्रार्थना करना चाहें, स्नान करना चाहें, वो सब अगर आप करते हैं तो थोड़ा ये लाभदारी आपके लिए जरूर हो जाएगा। लेकिन राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, अब राशि के हिसाब से पंडित जी जानते हैं, और पहली राशि शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। ये जो ग्रहण लगा हुआ है, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये मेष राशि में ही लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो इस ग्रहण का प्रभाव है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो मेष राशि के लिए है। तो मेष राशि वाले अगले 15 दिन एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, और मेष का मतलब होता है ब्रेन, सर, तो मेष राशि वाले सर दर्द ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा इसका ध्यान बनाए रखेंगे। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, पति पत्नी का तालमेल बिगड़ सकता है, उसमें भी ध्यान बनाए रखने की मेष राशि वालों को जरूरत अवश्य है। और अगर आप कारोबार करते हैं या आप व्यापार करते हैं तो देखिए पार्टनरशिप में नुकसान ना हो जाए, देखिए आपका दिया हुआ पैसा ना डूब जाए, थोड़ी सावधानी रखिएगा, कारोबार और व्यापार के मामले में सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। तो मेष वाले अगले 15 दिनों तक बहुत सावधानी रखेंगे, क्योंकि सेहत और व्यापार को लेके आपको बड़े झटके लग सकते हैं। बचेंगे कैसे, करेंगे क्या, ग्रहण जब खत्म हो जाए अभी 12:29 पे नहा लीजिएगा, ना नहा पाए कोई बात नहीं, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा, या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, या मंदिर में ले जाके गुड़ दे दीजिएगा, ये काम आज आप जरूर कर लीजिएगा, गुड़ का दान कर दीजिएगा, तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो दान करना है, स्नान करना है, और थोड़ा ख्याल रखना है मेष राशि वालों को। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए भी अर्पिता, ग्रहण थोड़ी सावधानियों की सूचना दे रहा है कि थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। वृषभ राशि वालों को अपनी आंखों का ध्यान देना होगा, अपनी आईसाइट का ध्यान देना होगा, आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों को लेकर के अलर्ट रहिए, और चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान रखिए, खास तौर से हड्डियों में चोट आपको लग सकती है। अगर किसी यात्रा पर इन 15 दिनों में जाने वाले हैं तो यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा, यात्राओं में विशेष सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, मजबूरी ना हो तो 15 दिन टालिए, और अगर नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो नए काम में जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम से मामला बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके, चैतन्य होके अगले 15 दिनों तक चलना है, हर काम में आपको सावधानी बनाए रखनी है।
ग्रहण जब खत्म हो जाए दोपहर के 12:29 पर, तो ग्रहण के बाद आप लाल वस्त्र का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को लाल कपड़े का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य ग्रहण का, वो हम आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो की है मिथुन राशि। अर्पिता, ये पहली राशि है जिसके लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव और परिणाम अच्छे हैं। अगर हम मिथुन की बात करें, आप बड़े बड़े कामों में सफलता चाहते हैं, आपने बड़े बड़े काम अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो आपको बड़े बड़े कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। मान सम्मान आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस मिथुन वालों का जरूर होने वाला है। और जो ये चेंज ऑफ प्लेस आपका होगा, ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए अनुकूल होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिथुन वाले अगर कोई बड़ी चुनौती लेना चाहते हैं, जीवन में किसी बड़े रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए समय बिल्कुल परफेक्ट है। आप आगे बढ़िए, चुनौती स्वीकार करिए, आपको लाभ होगा। और जिस समय ग्रहण चल रहा है, जैसे अभी ग्रहण चल रहा है, इस समय अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो ग्रहण के प्रभाव, ग्रहण के परिणाम आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर। बिल्कुल, अब जिस तरीके से हर राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको ग्रहण के वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे परिणाम अच्छे हो सकते हैं, वो हम समझ रहे हैं। अगली राशि है कर्क राशि। जी, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आपके जीवन में इस ग्रहण की वजह से बड़े बदलाव होने चाहिए। जैसे इस समय आपके करियर में और आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके करियर और निवास स्थान में बदलाव की संभावना बनती है। धन की स्थिति आपकी निरंतर बेहतर होती जाएगी और धन आपको निरंतर मिलता जाएगा, यानी परिवर्तन तो होगा लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता और स्त्री पक्ष को कष्ट के संकेत हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपनी बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। ग्रहण काल के दौरान जो समय अभी चल रहा है, आप थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मोटे तौर पे कर्क राशि वाले बहुत सारे परिवर्तनों में जाएंगे और ये परिवर्तन उनके लिए कुल मिला जुला कर अच्छे रहेंगे, उसमें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, जब आप तो क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा, तो घर से बाहर निकलने में भी कोई पाबंदी नहीं होगी, आप जब चाहें तब निकल सकते हैं इस ग्रहण के बीच में, इस दरमियान में, या तुलसी उलसी रखकर ही निकलना चाहिए? नहीं नहीं, जब ग्रहण दिख नहीं रहा है तो आपको तुलसी के पत्ते रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब ग्रहण दिखता है तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए या भोजन के अंदर नकारात्मक तरंगे ना आए, इसको रोकने के लिए हम तुलसी के पत्ते पानी में भोजन में डाल देते हैं। लेकिन ग्रहण दिख नहीं रहा है तो आप जहां जाना चाहिए जाइए, जैसा भोजन करना चाहिए करिए, विश्राम करना चाहिए करिए, उसमें कहीं कोई दैनिक जीवन में रुकावट आने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई अभी 12:29 तक ग्रहण है, अगर आप 5-10 निकाल सकें उस समय में पूजा प्रार्थना कर सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और हम राशि के हिसाब से भी जान रहे हैं कि कौन सी राशि में इस सूर्य ग्रहण का कितना असर पड़ने वाला है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है, तो सूर्य ग्रहण का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो सिंह राशि पर पड़ेगा।
सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। अपनी सेहत को लेके और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में अगर कोई मौके आ भी रहे हैं, करियर में कोई पॉजिटिव परिवर्तन हो भी रहा है, तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा जोखिम लेने से बचिएगा। बड़ा रिस्क न लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सोच समझ के करियर में आगे बढ़िएगा। और महत्वपूर्ण काम अभी ऐसा लग रहा है कि एक 15-20 दिन के लिए रुक सकते हैं, तो अगर महत्वपूर्ण काम 15-20 दिन के लिए रुकते भी हैं तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है ज्यादा। आपको थोड़े समय के लिए काम रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रहण के बाद आप गुड़ का दान करिएगा। ग्रहण 12:29 पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आया। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों पर ग्रहण के प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक हैं। लेकिन घबराइए इसलिए नहीं, क्योंकि हम उस निगेटिव प्रभाव को दूर करने के उपाय भी आपको बता रहे हैं। कन्या वालों को कहां ध्यान देना है, क्या सावधानी रखनी है अगले 15-20 दिनों में? आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और पारिवारिक प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा और जहां तक हो सके अगले 15-20 दिन तक चोट चपेट से बचाव करिएगा। जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में, जोश में अगर आप बड़ा निर्णय लेते हैं, मामला बहुत खराब हो सकता है। इसलिए कन्या वाले अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने निर्णय को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। और जब ग्रहण अभी समाप्त हो जाए कुछ देर में, उसके बाद आप तांबे के बर्तन का या तांबे की कटोरी, तांबे के गिलास, इसका अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये राशि के हिसाब से हम जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन पंडित जी, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, इसका क्या आशय हुआ? देखिए, ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण, एक होता है कंगन की तरह का कि चंद्रमा ने उसका पूरा हिस्सा ढक लिया और अगल बगल से अंगूठी की तरह सूर्य दिखाई दे रहा है, कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण। एक होता है खग्रास यानी संपूर्ण सूर्य ग्रहण, और एक सूर्य ग्रहण में होता है जिसमें आंशिक सूर्य के दर्शन होते रहते हैं।